प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरियावली में रसूख देखकर लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन। सागर जिले की नरियावली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैसे तो पहले से ही अनियमितताओं के कारण सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन कोरोना काल में भी यहां की अनियमितताएं सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहे कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है, जहां शासन की गाइडलाइन को एक तरफ रख रसूख देखकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। नरियावली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां बुजुर्ग घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, तो वहीं रसूखदार आयु में कम होते हुए भी कुछ ही मिनटों में वैक्सीनेशन कराकर वापस आ जाते हैं और अपनी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। जब डॉक्टर से ऐसा करने पर लोगों ने सवाल उठाए तो डॉक्टर ने यह कहकर उनको संतुष्ट कराने का प्रयास किया गया कि तुम्हें भी लग जाएगी, तुम चिंता नहीं करो। ऐसी में शासन की गाइडलाइन की धज्जियां नरियावली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उड़ाई जा रही हैं। ऐसे ही कई नाम लिस्ट में है जिनको नहीं कोई गंभीर बीमारी है, नहीं वह शासन की गाइडलाइन के अनुसार 60 वर्ष से ज्यादा की आयु में आते हैं, जबकि उनका वैक्सीनेशन उनका रसूख देखकर कर दिया जाता है। जब इस बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो डॉक्टर साहब शासन की गाइडलाइन का हवाला देते हुए 13 नंबर व 15 नंबर की लाइन का सहारा ले लेते हैं। अगर सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य केंद्र नरियावली में वैक्सीन लगवाना है तो रसूखदार होना चाहिए या ले देकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब यह जांच का विषय है कि नरियावली में ऐसे कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है जिनकी उम्र 60 से कम है और नहीं वह शासन की गाइडलाइन के अंतर्गत आते हैं। ग्रामवासी जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी अनियमितताओं में लिप्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरियावली की स्थिति सुधारते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लिस्ट में नाम है, कोई मतलब है, कोई 20 साल का है और जैसे बाबू यादव भी थोड़ी ना 60 साल की, उनको लग गया है, उनको भी लग गया और हैंगे ऐसे नाम जिनको लग चुका है। मून स्टार न्यूज 24 के लिए नरियावली से दिवांशु जैन की रिपोर्ट।